भी शिफ्ट। आज हम देखेंगे MSCIT जॉब रेडीनेस का सेशन एंड टेस्ट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम दैट आर रिटन। एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी एंड यूज़र जो प्रोग्राम है वो किस में लिखे जाते हैं? मेंटेन करने बैकअप, तो बैकअप नहीं लिया जाता उससे। इंटरेक्ट करने कंप्यूटर हार्डवेयर, वो तो OS का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। हेल्प करने अप्लाई एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार प्रोवाइड करेंगे उससे, नहीं तो क्या करेंगे? पर्टिकुलर जॉब जैसे कि क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस और अदर डैमेजिंग प्रोग्राम। दिस इज टाइप ऑफ डैश प्रोग्राम। तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर को वायरसेस से और डैमेज होने प्रोग्राम से, तो कौन सी टाइप की प्रोग्राम है? तो वो है यूटिलिटीज़, यानी सहूलत। यूटिलिटी मतलब सहूलत। ब्राउज़र यानी कि गूगल, मोजिला, ये सारे ब्राउज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS, और हार्डवेयर यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जिससे हम डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाने में मदद करेंगे, जैसे माउस, कीबोर्ड, जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं। तो यूटिलिटीज हम इसमें से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट कंप्यूटर रिसोर्सेज, प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर एंड रन एप्लीकेशन। रन एप्लीकेशन से आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन को चलाएगा नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी नहीं चला सकता, डिवाइस ड्राइवर, ड्राइवर यानी कि चलाने वाला, डिवाइस ड्राइवर यानी डिवाइस चलाने वाला, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के ड्राइवर नहीं है तो डिवाइस चलेगा नहीं। तो डिवाइस ड्राइवर का ये काम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का इंटरनेट एक्सेस करना, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम इन्हें, इन रिसोर्सेज को, कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, हार्डवेयर और इंटरफेस प्रोवाइड करना, कनेक्टिविटी, तो इन्हें ऑपरेट करना काम है और रन करना एप्लीकेशन। तो ये OS का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोस्ट केसेस द वर्ड सॉफ्टवेयर इज इंटरचेंजेबल विद द वर्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम है, ये लेना है हमें। प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर यानी रूल्स और गाइडलाइंस। कंप्यूटर तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, मेटा डेटा भी नहीं है, तो प्रोग्राम हमें लेना है। तो हम इसे अब एंड टेस्ट करते हैं। एंड टेस्ट लिखेंगे हम यहाँ पर, और एंड टेस्ट लिखने के बाद सेम एंड एग्ज़ाम लिखना है। एंड करने के बाद हम देखते हैं हमें कितने मिले हैं, 4 out of 4। तो अब हम इसमें नेक्स्ट सेशन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।